उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश आज जारी किया है, जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगा के लव जिहाद को बड़े सजा का प्रावधान किया है सरकार ने, और योगी सरकार इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे अच्छा झूठ, उनसे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। आज एक अखबार में मैंने, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में, और तमाम जो आज प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें खबर मैंने पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि 2022 तक, अगले वर्ष तक, अगले से अगले वर्ष जब आएगा, तो उत्तर प्रदेश में 10,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो जाएगा, वो भी सोलर एनर्जी का। जो कानून हमसे आप पूछ रहे हो कानून के बारे में, कभी आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या वो सोलर पैनल के बारे में कुछ जानते हैं। 10,000 मेगावाट बढ़ा देंगे, भूल जाइए 10,000 मेगावाट। इस देश के राष्ट्रपति रहे 2 बार, और उस समय की समाजवादी सरकार ने कन्नौज में एक बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था, जिससे वहां के गांव को 24 घंटे बिजली फ्री मिलती थी, जिसमें उनका ट्यूबवेल चलता था, चक्की चलती थी, या उनकी जितनी भी जरूरत की चीजों की आवश्यकता थी बिजली की, उसकी पूरी पूर्ति वो प्लांट करता था। वो कुछ मामूली वॉट का होगा। आप उस गांव की फ्री बिजली को काट दिया आपने। आपकी जिम्मेदारी ये होती कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो व्यवस्था लागू की है, अगर वो अच्छी व्यवस्था है तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं फ्री बिजली दे पा रहे हो। अगर वो व्यवस्था लागू करते तो आज शायद हमारा किसान खुशहाल होता। और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर आपसे भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे एक मिस्ड कॉल व्यवस्था थी, और मिस्ड कॉल व्यवस्था से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। मिस्ड कॉल करिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं, वो नंबर हमें बता दो, वो स्थान हमें बता दो जहां पर किसान को धान अपने पहुंचा दे और उसको कीमत मिल जाए। और जो कानून बनाने की बात है, कम से कम ऐसा कानून बना दो कि हमारे किसानों को आय दोगुनी मिलने लगे, गन्ने का भुगतान हो जाए, धान की कीमत बढ़ जाए। और वो कानून भी बना दो जिससे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं तो रोजगारी आ जाए।